गाइस, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अचानक से मारवाड़ी बोलने लगता है। वो बोलता है कि मेरे घर में तो 100-100 कमरे थे और जितना बड़ा ये घर है इतना बड़ा तो मेरे यहाँ पर बाथरूम था और मेरा घर उदयपुर में है। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि दीप कपाड़िया है, जो कि साल 1979 में अपने पुनर्जन्म में मुंबई में पैदा हुआ है। और जब उसने ये सब बताया तो उसका परिवार उसे उदयपुर लेकर गया और हैरानी की बात यह है कि वो वहां जाते ही एक एक चीज बताने लगा कि ये विक्टोरिया महल है, ये सिटी पैलेस है, ये फतेह मेमोरियल हॉल है। ये सारी चीजें उसको पता थी। उसने ये भी बताया कि वो अपने पहले जन्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था और उसका नाम पन्ना लाल अग्रवाल था, जिसको जहर देकर साल 1976 में मार दिया गया था। और जब ये बात 100% प्रूफ हो गई तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उससे मिलने आए, यहां तक कि दलाई लामा भी उससे मिलने आए। बहरहाल दीप कपाड़िया अभी मुंबई में है और उनकी इस पुनर्जन्म की घटना ने सबको चौंका दिया है। वैसे गाइस, आपका पुनर्जन्म के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। When you are consuming reels, mindlessly. You're not paying attention that what's happening here. आप entertainment के through देखते हो, even motivational reels आप relax होके देखते हो। But यदि एक अरविंद का podcast या विवेक बिंद्रा जी का podcast या राज शमानी का या बियर बाइसेप्स का podcast जब आप देखते हो तो आपकी body language change होती है, right? आप concentrate करते हो, आप late के भी सुन रहे हो फिर भी आपका दिमाग अलर्ट रहता है, आपको मन करता है रुको stop करता हूँ एक note बना लेता हूँ क्या बात बोली है, right? यदि आप उसे end कर दो, आप देख रहे हो किस तरीके से आपका behavior change हो रहा है। तो एनी प्लेटफॉर्म और एनी कॉन्टेंट पीस विच इज मेकिंग योर ब्रेन अलर्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी सस्टेनेबल, राइट? बिकॉज दैट्स एडिंग वैल्यू, दैट विल ब्रिंग फूड टू योर टेबल, राइट? दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑल्सो। इसीलिए मैं लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट के लिए बहुत रूट करता हूँ कि लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट बनाना चाहिए।